आज की इस वीडियो में आप देखेंगे 5 HP की कोई मोटर है उसका करंट कैलकुलेशन कितना होगा, यानी कि वो 5 HP की मोटर है कितना करंट लेगी, सिंगल फेज की है या फिर 3 फेज की है। अगर सिंगल फेज में 5 HP है तो कितना करंट लेगी और 3 फेज में 5 HP की मोटर है तो कितना करंट लेगी। तो आज की इस वीडियो में हम दोनों फेज के हिसाब से हम इसको निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम एक इसकी मोटर की डिटेल लिख लेते हैं। मोटर की डिटेल जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, 5 HP की मोटर है सिंगल फेज में, ठीक है। वो इसकी वोल्टेज है 220 वोल्टेज, ठीक है। इसका पावर फैक्टर है 0.8 PF। ये मोटर की सिंगल फेज के अंदर डिटेल है। और 3 फेज के अंदर 5 HP की मोटर है और वोल्टेज 415 है और पावर फैक्टर 0.8 है, ठीक है। ये 3 फेज के अंदर है। 3 फेज के अंदर सिर्फ वोल्टेज ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, और ये सिंगल फेज की वोल्टेज है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी हम सिंगल फेज को हम कैलकुलेट करते हैं फ्रेंड्स। करंट कैलकुलेशन का एक फार्मूला होता है आई, आई को हम एम्पियर से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ऊपर पावर, नीचे वोल्टेज इंटू कोस फाई मतलब पावर फैक्टर, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी हम क्या करेंगे, करंट निकालना है हमने। तो पावर क्या है हमारी, 5 फ्रेंड्स। पावर हम हमेशा वाट में लेते हैं, ठीक है। पावर को हमेशा हम वाट में लेते हैं। तो 1 HP में 746 वाट होते हैं फ्रेंड्स। तो इसको हम क्या करेंगे, 5 HP को 746 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और वोल्टेज हमारी कितनी दी हुई है, 220 वोल्टेज, ठीक है। और कोस फाई हमारा 0.8। अगर कहीं पे फ्रेंड्स पावर फैक्टर नहीं दिया हुआ तो 0.8 या 0.85 हम रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये इसका अभी हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारे पास एक कैलकुलेटर है। तो हम 5 में 746 या गया था 3730, तो इसको हम यहाँ पे 3730 लिख लेते हैं। और नीचे है 220 इंटू 0.8 176, ये है करंट के इजगल टू। तो इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो 3730 डिवाइड बाय 176 21.193 एम्पियर, यानी कि सिंगल फेज के अंदर इतना करंट लेगी ये 5 HP की मोटर, ठीक है। तो ये तो था सिंगल फेज का फ्रेंड्स, सॉरी, ठीक है। सिंगल फेज के अंदर ये 21.193 एम्पियर करंट लेगी। अभी बारी आती है 3 फेज की। 3 फेज के अंदर इसकी कैलकुलेशन क्या रहेगी फ्रेंड्स, जो फार्मूला हमने सिंगल फेज के अंदर लगाया था वही सेम इसके अंदर भी लगाना है। करंट इजकल टू पावर अपॉन में √3। इसके अंदर फ्रेंड्स एक √3 ऐड हो जाता है क्योंकि 3 फेज सिस्टम के अंदर ये वोल्टेज के साथ √3 लगता है, ठीक है। और 415 वोल्टेज थी गुणा में 0.8 पावर फैक्टर है। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हम पावर हमारी क्या थी, 5 HP, ठीक है, 5 HP। तो हम 5 HP को यहाँ पे 5 HP लिख के 746 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपको पता है 5 की और 746 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3730 आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और इसकी नीचे की जो कैलकुलेशन है वो उसको हम करेंगे तो √3 की वैल्यू होती है फ्रेंड्स 1.732, ठीक है, इंटू में 415 इंटू 0.8 ये आ गया 575। तो इसका करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको हम 3730 से इसको भाग करेंगे 575 से, तो कितनी आ जाएगी, 6.4 एम्पियर, ठीक है फ्रेंड्स। ये 3 फेज के अंदर आ जाएगा इतना करंट इसका। सिंगल फेज के अंदर हमारा 21.193 और 3 फेज के अंदर हमारा 6.4 एम्पियर, तो ये करंट आ जाता है फ्रेंड्स। ये था 5 HP की मोटर। अगर आपको कोई और मोटर है, ठीक है, इसी हिसाब से आप निकाल सकते हैं। अगर आपको अलग से निकलवाना है, बेसिकली पर्टिकुलर निकलवाना है, तो आप नीचे कमेंट कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर देना फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।